हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक्स मैग्नेट। आज हम डिस्कस करेंगे जोमेटो शेयर के रिगार्डिंग, जो कि काफी अच्छा और बेहतरीन शेयर है। चाहे आप इंट्राडे की बात कर ले या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग की बात कर ले, मतलब पोजिशनल ट्रेड की बात कर ले, तो काफी अच्छा है। मैं इसमें सबसे एक चीज ये कि ये जो कंपनी है वो है डेप्ट फ्री कंपनी। इसमें कंपनी का डेप्ट नहीं है, प्लस इसका रिजर्वेशन बहुत अच्छा है। मतलब जो फंडामेंटल है ना कंपनी के, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मैं आपको बैलेंस शीट चेक करा देती हूँ, देख सकते हैं। शेयर कैपिटल है इसका 764, रिजर्व है इसका 15,980, बोरोइंग्स है इसका 30, अदर लाइबिलिटी है 726 इसकी अदर लाइबिलिटी है। मतलब रिजर्वेशन में बहुत अच्छा है और डेप्ट भी एकदम लो है, बहुत ही लो है। बात कर रहे थे इसकी अदर की, देख सकते फिक्स्ड एसेट जो है 1348 है, CWIP हमारा 0 है, इन्वेस्टमेंट है 5136 और अदर एसेट्स है 11017। तो इसकी इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है, रिजर्व भी बहुत अच्छा है एंड हमारी जो बोरोइंग्स भी काफ़ी ज़्यादा लो है। तो इसके अकॉर्डिंग ये कंपनी कैसी हुई हमारे लिए, पॉजिटिव कंपनी हुई। तो उसके अकॉर्डिंग बाकी अभी का जैसे निफ्टी 50 डाउन होती है ना, तो अदर स्टॉक्स पर भी फर्क पड़ता है, तो उसकी वजह से कई बार वो डाउन भी आपको शो होते हैं। बात करते हैं कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो भी इसका पॉजिटिव है, 126 का इसका कैश फ्लो है। हम बात करते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो आप देख सकते हैं FII का है जो लगा हुआ पैसा, FII DII ने भी इसमें डाल रखा है, वो है 17.26, DII का है 5.97, पब्लिक का है 74.29 एंड अदर का है 2.49। बाकी बहुत अच्छी कंपनी है, मैं आपको चेक करा देती हूँ। आप सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं एंड यहाँ पे सेल्स ग्रोथ भी आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी एंड ज़बरदस्त है। अभी जो पहले 5 साल में थी 71%, उसके नीचे देख सकते हैं 46%, अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छा चल रहा है 77%। जब तक कि आप फटाफट सब्सक्राइब कर लो एंड ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। एंड आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको किसी वीडियो के किसी शेयर के रिगार्डिंग अगर आपको एनालिसिस चाहिए। तो देख सकते हैं प्रॉस जो है, यहाँ पे कंपनी है एज ए रिज्यू डेप्ट रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली लाने की कोशिश कर रही है। एक दो कॉन्स तो होते हैं यहाँ, जैसे स्टॉक इज ट्रेडिंग 2.72 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू के से भी ज़्यादा में ट्रेड हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग भी अच्छा है। बट लो इंटरेस्ट कवरेज रेट है, तो बट उतना फर्क नहीं है, बट फिर भी कंपनी अकॉर्डिंग टू बहुत अच्छी है। आप वॉल्यूम वगैरह भी चेक कर सकते हैं, हाई वॉल्यूम है आप देख सकते हैं रिसेंटली, मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि इतना ये देख सकते हैं इस वाली वॉल्यूम का और इस वाली वॉल्यूम का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है यहाँ पे, राइट। अभी रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था। एंड बात करते हैं हम इसकी मार्केट की कैपिटलाइजेशन की, तो मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है 49,625 मार्केट की कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस है 58 रुपये, हाई लो जो है इसका 169 हाई गया है, मिनिमम गया है इसका 40.6। एंड बात करते हैं बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू है इसकी 21.3 और ROE ROC ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं और फेस वैल्यू है इसका हमारा 1, तो काफ़ी अच्छा है। मैं आपको और भी चीज़ें यहाँ पे शो करा देती हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको ना अभी हैंड टू हैंड दिखा देती हूँ, फिर ना आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा। जोमेटो शेयर प्राइस राइट, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए अभी आज जो है, आज थोड़ा सा डाउन गया हुआ है यहाँ पे, बट इट्स ओके, वो थोड़ा बहुत चलता रहता है। ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा डाउन गया, 5 डे के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे डाउन शो रहा है, 1 मंथ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं पॉजिटिव शो रहा है, राइट। 25% का रिटर्न यहाँ पे 1 मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉजिटिव शो है। आप ये देख सकते हैं, वैसे भी स्विंग ट्रेडिंग हम 10 दिन 15 दिन के लिए भी कर सकते हैं, 1 मंथ के लिए आराम से 20-25% का अपना प्रॉफिट निकल गया, बहुत है। देख सकते हैं, मतलब कंपनी ऑल ओवर बहुत अच्छी है। ये देख सकते हैं 6 मंथ के अकॉर्डिंग, जब से कंपनी इस वाले प्राइस पे आई थी ना, इस वाले प्राइस के बाद मार्केट ने काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम यहाँ पे कैच किया है उसके अकॉर्डिंग। बट हाँ, फिर भी ठीक है, कंपनी मार्केट की कैपिटलाइजेशन भी काफ़ी अच्छी है इसकी। अदर डिटेल्स की भी मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। वेट, मैं आपको हैंड टू हैंड दिखा देती हूँ, राइट। ये आप देख सकते हैं, अभी वो थोड़ा नेट का रह रहा है, लोडिंग हो रही है, ये आज का यहाँ पे देख सकते हैं। और आज का जो मिनिमम है 57.30, हाई गया है 61, काफ़ी अच्छी वॉल्यूम में भी ट्रेड हुआ है। प्लस इसके अलावा मैं आपको स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दिखा देती हूँ। वेट, इसकी स्ट्रेंथ देख सकते हैं, 7 स्ट्रेंथ है, इफेक्टिवली यूजिंग शेयर होल्डर रिटर्न ऑन इक्विटी इम्प्रूविंग सिंस लास्ट 2 डेज, 7 स्ट्रेंथ है इसकी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका स्ट्रेंथ हमें शो कर रहा है। एंड बात कर लेते हैं हम इसकी फेस वैल्यू, ये सारा मैंने आपको बता दिया। इसका जो बीटा है देख सकते हैं 1.65 का बीटा है, PB रेशियो है 2.94 का PB रेशियो है एंड स्टॉक का PE है 186। एंड यहाँ पे मैं आपको और भी चीज़ें कुछ शो करा देती हूँ,
आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 इसकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस 6 है, अपॉर्चुनिटी 1 है और इसका थ्रेट 0। तो अपॉर्चुनिटी है तो कंपनी कहीं ना कहीं पॉजिटिव सिनेरियो में रहती है। मैं इसको आपका चार्ट भी दिखा देती हूँ। अभी इसका जो चार्ट का ट्रेंड है ये देख सकते हैं, यहाँ से ऐसे, ये तो वन डे का चार्ट है, ऐसे है एंड अगेन यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर जाएगी क्योंकि जिस सिनेरियो में अभी चल रहा है वन डे के चार्ट के अकॉर्डिंग, ये देख सकते हैं ऐसे करके है तो यहाँ से अगेन ऐसे करके भी जा सकते हैं। तो मार्केट अगेन यहाँ से पुल बैक करेगी एंड मैं आपको दिखा देती हूँ ये कुछ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है। तो अब चाहे तो उसका मतलब फिबोनाची वगैरह जो होते हैं ना वो भी काफ़ी अच्छे, उसके अकॉर्डिंग हम दिखा देते हैं। प्राइस परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं 1 वीक के अकॉर्डिंग, 1 मंथ के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं टुडे है, यस्टरडे, 1 वीक, ये 1 मंथ के अकॉर्डिंग है राइट। एंड इसमें बाकी अदर चीज़ें यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ शो हो रही है कि हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए, बट बाकी सारी चीज़ें बाकी देखिए आप किसी के कहने पे बाय मत करिए, आप अपनी एनालिसिस भी करिए। बस इसमें इंट्राडे बहुत अच्छा होता है, इंट्राडे इसलिए अच्छा होता है कि कम जैसे मार्केट डाउन भी जा रही है तो वहाँ पर हम शॉर्ट सेल की भी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, बट स्विंग ट्रेडिंग में हम सिर्फ बाय ही कर पाते हैं तो उस और हमारा कैपिटल भी पूरा लगता है, हमें लेवरेज भी नहीं मिलता राइट। बट फिर भी हाँ जैसे जैसे कम टाइम रहता है जो इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड है तो वो चीज़ें कर सकते हैं, बट हाँ हम इंट्राडे में रिस्क भी ज़्यादा होता है और स्विंग ट्रेडिंग में उसके अकॉर्डिंग कंपेरिजन में कम रिस्क रहता है तो उसके अकॉर्डिंग है। प्लस अदर भी वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर ना डाली हुई है जैसे कि HFCL की है, अभी रिसेंटली में मैंने PNB की डाली है, एक MS डॉक करके शेयर है, बहुत अच्छा ट्रेंडिंग शेयर रहता है। प्लस आप देख सकते हैं एक तेज नेटवर्क करके है, तेज नेटवर्क करके कंपनी है काफ़ी अच्छा उसका भी रहता है, टाटा स्टील की भी है, उसके भी वीडियोस डाली हुई है, तब वो भी जाके मेरे चैनल पे अदर वीडियोस भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करिए कि हाँ आपके मतलब मेरी जो एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं है, अदरवाइज़ मैं थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और प्लस बात करें आप अदर भी देख सकते हैं, मे बी आपको शायद थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए, एटलीस्ट 1% तो हेल्प हो ही सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बाय बाय।